Hello everyone, this is Professor Pavan Sholkar and I welcome you in the 25th lecture of Mechanics of Material. And today we will discuss sign convention for shear force and bending moment. So in last lecture we have discussed it. For sign convention for shear force was, if force on left hand side is upward and force on right hand side is downward, then your shear force is positive. Okay, we discussed किया था ये. Shortly थोड़ा सा revise कर लेते हैं. क्या discuss किया था हमने कि अगर ये beam है, ये अपनी section बनाया और ये left hand side है. Left hand side का force अगर vertically upward है, तो shear force आपका positive रहेगा. या फिर अगर आप राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हो, तो राइट हैंड साइड में अगर फोर्स आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो भी आपका शियर फोर्स पॉजिटिव रहेगा. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट. अब बेंडिंग मोमेंट क्या था? फोर्स इनटू डिस्टेंस था. ओके, तो यहाँ पे जैसे दिखा है कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज कंसिडर्ड पॉजिटिव इफ द बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन ऑन लेफ्ट पोर्शन इज क्लॉकवाइज एंड ऑन राइट पोर्शन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा. पॉजिटिव कब होगा कि जैसे ये बीम है, फिर से ये आपका सेक्शन है, ये कौन सी साइड थी? लेफ्ट हैंड साइड. ये है राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर ये यहाँ पे मोमेंट आपका क्लॉकवाइज अगर है, तो बेंडिंग मोमेंट आपका पॉजिटिव है. अगर आप राइट हैंड चेक कर रहे हो, तो अगर आपका बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, ओके, एंटी क्लॉकवाइज हो गया नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है राइट हैंड साइड में, फिर भी आपका बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है. गेटिंग? तो ये हो गया साइन कन्वेंशन. अगर अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है, सपोज लेफ्ट हैंड साइड का मोमेंट आपका कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज है सपोज, तो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव रहेगा. या फिर आप राइट हैंड साइड में चेक करोगे और राइट हैंड साइड में अगर बेंडिंग मोमेंट आपका क्लॉकवाइज है, तो भी आपका बेंडिंग मोमेंट निगेटिव है. ओके, तो देखो ये जैसा बीम है और यहाँ पे मोमेंट अगर ऐसा लगा है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा लगा है? क्लॉकवाइज. राइट हैंड साइड में लगा है एंटी क्लॉकवाइज. तो जो बीम का बेंडिंग होगा, बेंड होगा बीम, वो कैसा होगा? ऐसा होगा. बराबर है ना? आप बीम को यहाँ पे मोमेंट ऐसा लगा रहे हो, यहाँ पे ऐसा लगा रहे हो, तो बेंडिंग कैसा होगा? ऐसा होगा. सो बीम इज स्माइलिंग, लाइक स्माइलिंग इफेक्ट आएगा बीम पे. तो दिस थिंग इज नोन एज अ सैगिंग ऑफ बीम. ये बीम था, ठीक है, तो यहाँ पे वो स्माइलिंग हो रहा है. मतलब यहाँ पे आपको देखना है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो बेंडिंग मोमेंट है, वो आपका क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए. और राइट हैंड साइड में आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए. सो इन दिस केस योर बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव. और इसको क्या बोलते हैं हम? सैगिंग ऑफ बीम. एग्जाम में आता है कि व्हाट इज मीन बाय सैगिंग ऑफ बीम और हॉगिंग ऑफ बीम. ठीक है, अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हॉगिंग ऑफ बीम. क्या होता है? देखो मैडम, ये इरेज कर देते हैं. जैसे ये बीम है और बीम पे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो मोमेंट है वो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है. हमें चाहिए था क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है. यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज चाहिए था, यहाँ पे क्लॉकवाइज लगा है. तो बीम ऐसा सैड स्माइली में बेंड होने वाला है. ओके, जस्ट लाइक बीम इज क्राइंग. So this thing is known as a hogging of beam. Okay? और इस condition में आपका जो bending moment रहेगा वो negative रहेगा. Beam हमेशा ऐसा चाहिए कि मतलब जो bending moment रहेगा वो left hand side में clockwise और right hand side में anti clockwise चाहिए. Okay? So then and only then your bending moment will be positive. यही चीज़ें हम फोर्सफुली अप्लाई करके वेन वी सॉल्व दी प्रॉब्लम. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड.
नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ड्राइंग एसएफडी एंड बीएमडी, तो अब ये कुछ यूजफुल पॉइंट है जो हमें याद रखने की जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे किसी भी बीम का एनालाइज करेंगे और एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या क्या फोर्सफुली याद रखना है। पॉइंट नंबर वन, कंसीडर द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम, मतलब प्रॉब्लम को आइदर राइट से लेफ्ट या फिर लेफ्ट से राइट किसी भी एक ही वे में सॉल्व करो। ओके, सो वी विल ऑलवेज सिलेक्ट राइट हैंड साइड। तो ये सपोज बीम हमेशा हम ऐसे सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम टाइम हम राइट हैंड साइड ही सिलेक्ट करेंगे। सम कंडीशन अप्लाई कि जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट रहे कि वहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड भी कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है ऐड फोर्स इंक्लूडिंग रिएक्शन फोर्सेस, मतलब क्या है जैसे अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहाँ पे सपोर्ट रहेगा एंड पे। ओके, तो यहाँ पे गिवन जो लोड है वो तो लोड है ही, लेकिन अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट रिएक्शन भी यहाँ पे कंसिडर करने पड़ेंगे। सपोज वर्टिकल रिएक्शन आर ए और यहाँ पे आर बी, तो जब हम बीम को सॉल्व करेंगे एसएफटी बीएमडी के लिए तो रिएक्शन फोर्सेस भी उसमें इंक्लूड करने हैं। ओके, उसमें पॉइंट है इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन द फोर्सेस एक्टिंग अपवर्ड इज पॉजिटिव। ये पॉइंट हमने अभी देखा था शियर फोर्स के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स अगर अपवर्ड है तो शियर फोर्स पॉजिटिव है, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड इज पॉजिटिव। हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि ये अगर आपका बीम है और ये सेक्शन है तो लेफ्ट हैंड साइड में वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए और राइट हैंड साइड में वर्टिकली डाउनवर्ड चाहिए, तो आपका जो शियर फोर्स रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। ओके, क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इज प्लॉटेड अबव द बेस लाइन एंड नेगेटिव वैल्यूज प्लॉटेड बिलो द बेस लाइन। कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें इस लाइन पे हमें शियर फोर्स की वैल्यू, जैसे अलग अलग पॉइंट है बीम पे, अलग अलग पॉइंट है, सपोज पॉइंट ए बी सी और डी, तो वैल्यू अगर शियर फोर्स की हो या फिर बेंडिंग मोमेंट की हो जो वैल्यूज रहेगी, जैसे डी पे शियर फोर्स की वैल्यू सपोज जीरो है, सी पे वैल्यूज है सपोज 50, बी पे वैल्यूज है सपोज 100 और ए पे वैल्यूज है सपोज फिर से 100, तो पॉजिटिव वैल्यूज है तो बेस लाइन के ऊपर रहेगा ये पार्ट। वही वैल्यू अगर निगेटिव है, सपोज शियर फोर्स की वैल्यू है -50, तो सी के नीचे, बी के नीचे और ए के नीचे, तो बेस लाइन के नीचे निगेटिव वैल्यूज और बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज, इस हिसाब से हम इसको नोट डाउन करेंगे, प्लॉट करेंगे। ओके, नाउ पॉइंट नंबर फोर्थ, फॉर पॉइंट लोड एसएफडी विल इंक्रीज और डिक्रीज सडनली दैट इज बाय वर्टिकल लाइन। मतलब जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला था, एक एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 50 है, तो ये ग्राफ ऐसा ट्रैवल नहीं करेगा, इंक्लाइन लाइन से नहीं, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे आपको रीच होना है 50, तो ग्राफ कैसा जाएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन से जाएगा, लाइक डी टू सी जाएगा स्ट्रेट लाइन जीरो और बाद में यहाँ पे सडनली इंक्रीज रहेगा, देन बी पे सपोज 100 है या इस पॉइंट पे आना है आपको, इस पॉइंट पे, तो ऐसे इंक्लाइन ट्रैवल नहीं करेगा, ये हॉरिजॉन्टली जाएगा और सडनली रेस करेगा। ठीक है, ए पे फिर से सपोज 150 जाना है तो इंक्लाइन लाइन ट्रैवल नहीं होगी, लाइक दिस हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर बाद में सडनली वो रेस करेगा लाइक दिस। ओके, तो ये रहेगा ग्राफ आपका शियर फोर्स के लिए एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट के लिए। ओके, आइदर शियर फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज सडनली, नॉट बेंडिंग मोमेंट, सिर्फ शियर फोर्स के लिए, कि जब भी हम वैल्यूज को ऐसे प्लॉट करेंगे कि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे सपोज 50 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी सपोज 100 ही है, तो ये इंक्लाइन लाइन से ट्रैवल नहीं होगा कि भाई डी पे जीरो है और बी पे 50 आना है, तो जीरो टू 50 ऐसा ट्रैवल नहीं करेगा, हर बार हॉरिजॉन्टली जाएगा, बाद में सडन रेज होगा, फिर से हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेगा, बाद में सडनली रेस करेगा, फिर से हॉरिजॉन्टल, तो हर बार हॉरिजॉन्टल लाइन से ही वो ट्रैवल करेगा। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर फाइव में है शियर फोर्स बिटवीन
any two point load will be constant and hence SFD between the two vertical load will be horizontal. अभी मैंने शो किया कि जैसे B जो horizontal है हम शो करते suddenly raise फिर बाद में, तो जैसे ये जो दो पॉइंट है कि यहाँ पे D है और यहाँ पे C है, या फिर सपोज ये B था और ये A था सपोज, तो दोनों पॉइंट के बीच का जो शेयर फोर्स वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा, जहाँ पे बढ़ाना है वहाँ पे सडनली रेज होगा, इंक्लाइन से नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा पॉइंट नंबर 5। वैसे भी अगर यहाँ पे पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 6, बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट इन सिंपली सपोर्टेड बीम एंड एट द फ्री एंड इन अ कैंटिलीवर बीम इज जीरो। पॉइंट नंबर 6 पढ़ रहा हूँ मैं, बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट इन सिंपली सपोर्टेड बीम एंड एट द फ्री एंड इन कैंटिलीवर बीम इज जीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओके, तो बेंडिंग मोमेंट दोनों जगह पे यहाँ पे जीरो रहेगा, और अगर कैंटिलीवर बीम है तो बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पे जीरो रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। क्लियर है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। जब भी हम सिंपली सपोर्टेड बीम वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो, और कैंटिलीवर बीम है तो फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट जीरो रहेगा। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 7, ग्राफ ऑफ शियर फोर्स फॉर यूडीएल इज ऑलवेज स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन। जैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, लेकिन जब भी यूडीएल है दो पॉइंट के बीच में, कि जैसे ये दो पॉइंट है ए और बी, तो यहाँ पे यूडीएल दिया है सपोज, ओके, तो इसका जब शियर फोर्स डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, इसके नीचे ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के लिए शो कर रहा हूँ कि जैसे ए बी पे यहाँ पे यूडीएल है, तो शियर फोर्स यहाँ पे जो कुछ भी रहेगा वो लाइन, और यहाँ पे दिखाना है आपको, तो ये पार्ट दोनों में अब शियर फोर्स इंक्लाइन लाइन से ट्रैवल करेगा। ये जो हमने दिखाया था पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट लोड जब भी रहेगा अलग अलग तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से शो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ट्रैवल कर रहा है। जैसे अगर दो पॉइंट के बीच में यूडीएल है, ओके, दो पॉइंट के बीच में अगर यूडीएल है तो फिर ग्राफ क्या रहेगा आपका, इंक्लाइन रहेगा, इंक्लाइन। ओके, पॉइंट नंबर 8, द ग्राफ इन बीएमडी इज ऑलवेज 1 डिग्री फास्टर द ग्राफ इन एसएफडी। मतलब क्या कि जैसे आप शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पे ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल है तो बेंडिंग मोमेंट का ग्राफ 1 डिग्री फास्टर, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो इंक्लाइन लाइन, इंक्लाइन लाइन है तो फिर बाद में कर्व, तो एक एक डिग्री फास्टर हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। किसी भी एक क्वेश्चन के लिए आपको दो डायग्राम ड्रॉ करनी है, एक डायग्राम रहेगी एसएफडी मतलब शियर फोर्स डायग्राम, दूसरी डायग्राम रहेगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, तो अगर शियर फोर्स डायग्राम में कोई ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है तो बेंडिंग मोमेंट में वो ग्राफ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सॉरी इंक्लाइन हो जाएगा। अगर शियर फोर्स में ही लाइन इंक्लाइन है, बेंडिंग मोमेंट में वो कर्व हो जाएगा। ओके, क्लियर है? ये इरेज कर देता हूं मैं। एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 9, सेज एट द पॉइंट शियर फोर्स इज जीरो। सपोज कहीं पे शियर फोर्स जीरो है वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा। ये सब चीजें हमें याद रखनी है, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा एक्चुअली हाउ इट हैपन। ओके, तो बस इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि जहाँ पे जैसे बेंडिंग मोमेंट एट सिंपली एट द सपोर्ट इन सिंपली सपोर्टेड बीम एंड एट द फ्री एंड इन कैंटिलीवर बीम इज जीरो, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो रहेगा जहाँ पे सपोर्ट है, और कैंटिलीवर बीम में जहाँ पे फ्री एंड है, ठीक है। और अगर जैसे एक एक डिग्री फास्टर होते जा रहा है ग्राफ, तो शियर फोर्स अगर यूडीएल के लिए क्या रहेगा, हमेशा स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन रहेगा, और बीएमडी ग्राफ में हमेशा जो ऊपर ग्राफ है उसका 1 डिग्री फास्टर होते जाएगा। ओके, नो इशू कि अगर आपको ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो समझ में नहीं आ रहे तो डायरेक्टली हम उसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में स्टडी करेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो, फर्स्ट केस है, जैसे अब यहाँ पे न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट होगा तो इसमें अलग अलग, जैसे यहाँ पे दिखाया है कि एसएफटी एंड बीएमडी फॉर कैंटिलीवर बीम विद अ पॉइंट लोड एट फ्री एंड, तो हम अलग अलग केसेस पढ़ेंगे। जैसे हमने कैंटिलीवर बीम डिसाइड किया है, कौन सा कैंटिलीवर बीम, ओके, सपोज कैंटिलीवर बीम में हम देखेंगे, जैसे ये हो गया कैंटिलीवर बीम, तो कभी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे कि इसमें सिर्फ पॉइंट लोड दिया है या फिर यूडीएल भी दिया है या फिर कॉम्बिनेशन दिया है, बाद में यूवीएल भी है,
ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम में हम पॉइंट लोड, देन यूडीएल, यूवीएल, यूवीएल या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन, दो का कॉम्बिनेशन, इस हिसाब से प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देन वी विल जंप टू सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड में फिर से ये हो गया सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम, तो इसमें पॉइंट लोड, बाद में यूडीएल और बाद में यूवीएल, ठीक है। ऐसे दोनों तीनों कॉम्बिनेशन के लिए, अलग अलग लोडेज के लिए हम प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। तो कैंटिलीवर बीम हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, उसके बाद में कंटिन्यूस बीम हो गया, कंटिन्यूस बीम, ओवरहैंगिंग बीम। तो जो स्टेप्स रहेगी, जो बेसिक रहेगा वो सेम ही है, बस अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए उसको हम पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द कैंटिलीवर बीम एंड पॉइंट लोड। सो एसएफडी एंड बीएमडी फॉर कैंटिलीवर बीम विद अ पॉइंट लोड एट फ्रीएंड। सो वी हैव कंसिडर्ड वन बीम, तो यहाँ पे हो गया कैंटिलीवर बीम डिस्कस करना है। तो यहाँ फिक्स सपोर्ट है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, ये फ्री एंड है, टोटल बीम की जो लेंथ है वो एल है, और फ्री एंड पे लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है आपको एक लोड अप्लाई किया है डब्ल्यू, ठीक है। ये जो एक्स है ये सपोज सेक्शन है, कि जैसे इस सेक्शन पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हमको कैलकुलेट करना है, वो डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे हम, कि हमें पता है अब यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे लिया है, हम राइट हैंड साइड से प्रॉब्लम को लेफ्ट हैंड साइड तक के डिस्कस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। सो दो चीज़ें हमें निकालनी, एक शेयर फोर्स निकालना है और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। सो शेयर फोर्स जहाँ पे सेक्शन है वही पे हम निकालेंगे, ठीक है। सो शेयर फोर्स एट एक्स, पहले बी पे कितना है शेयर फोर्स, बी पे सबसे पहले चलो बी पे ही देख लेते हैं, शेयर फोर्स एट बी कितना है डब्ल्यू। अब ये W जो कुछ भी है वो पॉजिटिव है, हर बार शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है आपको चेक करना है, ठीक है। क्या रूल था हमारा, रूल था अगर ये बीम है और ये सेक्शन आपके, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड हम क्या चेक कर रहे हैं, राइट हैंड, राइट हैंड में फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए। तो ये आप याद ही मत रखो, हर बार ये याद रखो कि राइट हैंड का साइड, राइट हैंड का जो फोर्स है वो वर्टिकली अगर डाउनवर्ड है तो आपका जो शेयर फोर्स रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, क्लियर। सो शेयर फोर्स एट बी इज डब्ल्यू, तो वो ये हो गया पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है राइट हैंड साइड में। देन शेयर फोर्स एट एक्स लेते हैं, ठीक है ना, अलग अलग पॉइंट पे ले रहे, बी पे लिया, एक्स पे, तो एक्स पे एक्स तक के कितना फोर्स है, एक्स तक के कितना फोर्स है, राइट हैंड साइड से आप एक डब्ल्यू है और उसके बीच में और कुछ भी नहीं है, बस एक्स पे भी कुछ नहीं है, तो फिर से एक्स तक कितना फोर्स है हमारे पास में, बस डब्ल्यू ही है। सो एक्स तक भी हमारे पास में बस एक ही फोर्स है डब्ल्यू, और वो भी पॉजिटिव की वर्टिकली डाउनवर्ड है राइट हैंड साइड में, तो शेयर फोर्स एट एक्स तक कितना है आपका डब्ल्यू। ओके, फिर से ए तक की वही वैल्यू आएगी, कि ए तक भी चेक किया तो राइट हैंड साइड से सिर्फ और सिर्फ ए की फोर्स है डब्ल्यू इंटेंसिटी का, दैट्स इट। ओके, नाउ बेंडिंग मोमेंट, सो बेंडिंग मोमेंट एट, जैसे अभी देखो ये कैंटिलीवर बीम है, हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट इन सिंपली सपोर्टेड बीम एंड एट फ्री एंड, ये फ्री एंड है, एट फ्री एंड इन कैंटिलीवर बीम इज जीरो, तो ये कैंटिलीवर बीम है और बी इसका फ्री एंड है, तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट कितना रहेगा, जीरो। सो बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल टू जीरो रहेगा। बेंडिंग मोमेंट एट एक्स कितना रहना चाहिए, एक्स क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट है एक्स, तो यहाँ पे कितना है बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है, फोर्स और इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो एक मिनट इसके इरेज कर देते हैं पहले, बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, W इंटू डिस्टेंस,
फोर्स है आपका W, और डिस्टेंस कितना है x तक के, ये स्मॉल x, सो W इंटू एक्स। अब बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसे चेक करेंगे, बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या था, अगर ये बीम है ये सेक्शन है आपका, राइट हैंड साइड में चेक करते कि राइट हैंड साइड में बीम को स्माइल कराने के लिए, बीम ऐसा कराने के लिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड चेक कर रहे होते तो आपका बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज होना चाहिए था, हम राइट हैंड साइड चेक कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड का बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये W है यहाँ पे लास्ट में, मतलब ये फोर्स है और यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो ये फोर्स इतनी डिस्टेंस से कैसे घूमेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड है ये घूमेगा ऐसे, है ना, ऐसा घूम रहा है यहाँ से इस डिस्टेंस तक, तो ये ऐसा घूम रहा है, ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, हमें तो चाहिए था एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड में, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है इसलिए ये निगेटिव है। ओके सो यहाँ पे हमने सेक्शन पे निकल लिया बेंडिंग मोमेंट सिंपली। तो इसको प्लॉट करना है ग्राफ, तो सबसे पहले हम निकालेंगे SFD शियर फोर्स डायग्राम, तो जस्ट वही प्रोजेक्शन यूज करने हैं इसके ही नीचे, और यहाँ पे निकालेंगे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे सपोज वो पॉइंट है X, यहाँ पे पॉइंट है A, यहाँ पे पॉइंट है B, ओके, यहाँ पे B, X और यहाँ पे A, यहाँ पे B, तो शियर फोर्स एट B कितना है, W है, सपोज ये होगी W वैल्यू, कोई एक पर्टिकुलर स्केल लेनी है आपको, ठीक है, इन एन एवरेज शो करना है हमें, कोई काउंट नहीं करना है, तो सपोज हो गया W इतना, ओके, और x पे भी कितना है, x पे भी W है और पॉजिटिव है, तो बेस लाइन के ऊपर हम शो करेंगे, ठीक है, तो दोनों में सेम ही है, हॉरिजेंटल लाइन से इसको शो करेंगे लाइक दिस। अब हमने यहाँ पे A पे तो शो नहीं किया है, लेकिन A पे भी कैलकुलेट करेंगे तो भी कितना आएगा, A पॉइंट तक के फोर्स कितना है टोटल, बीम पे बस W है तो उतना ही है लाइक दिस, ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, तो ये रहेगा आपका स्ट्रेट लाइन से ये जो बॉक्स बनेगा ये रहेगा आपका शियर फोर्स डायग्राम, और पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव, ओके, और इंटेंसिटी क्या है इसकी, W न्यूटन, ओके। नाउ जैसा रूल था कि यहाँ पे अगर पॉइंट लोड है, मतलब गिवन क्वेश्चन में पॉइंट लोड है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट में क्या हो जाएगा, यही ग्राफ थोड़ा सा और फास्टर हो जाएगा, एक डिग्री फास्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना है, बेंडिंग मोमेंट एट बी तो जीरो है, देख रहे हैं हम कैलकुलेशन में, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स कितना है, W इंटू एक्स, ठीक है, कोई तो भी वैल्यू आएगी 100 200 जो कुछ भी वैल्यू है, सो W इंटू एक्स वैल्यू है, पर क्या है, निगेटिव मतलब बेस लाइन के नीचे आएगा, सपोज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब देखो शियर फोर्स में ये ग्राफ कैसा है, शियर फोर्स में ये ग्राफ हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल का 1 डिग्री फास्टर क्या हो जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ग्राफ रहेगा वो इंक्लाइन रहेगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन रहेगी, और यहाँ पे जैसे एक्स से ए तक के ग्राफ क्या है, एक्स से ए तक के ग्राफ भी आपका स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे ग्राफ क्या रहेगा, ए पे वो इंक्लाइन रहेगा, मतलब ऊपर SFD में अगर पॉइंट है तो यहाँ पे आपका BMD में आपका वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, अगर SFD में स्ट्रेट लाइन है, अगर SFD में स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे इंक्लाइन लाइन आ जाएगी, अगर SFD में ही इंक्लाइन लाइन है तो BMD में कर्व हो जाएगा, जैसे एक एक डिग्री फास्टर होते जाएगा, ओके, सो यहाँ पे आपका ग्राफ क्या रहना चाहिए, अभी x टू a क्या रहेगा, ऊपर देखो हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे इंक्लाइन लाइन, फिर से कंटिन्यू इंक्लाइन लाइन, तो ये रहेगा ग्राफ आपका BMD के लिए, निगेटिव हो जाएगा क्योंकि बेस लाइन के नीचे है, दिख रहा है ना, यहाँ पे निगेटिव है, ओके, जैसे आपने यहाँ पे शो तो नहीं किया, लेकिन शियर फोर्स एट बी निकाला हमने, एस निकाला, ए पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W ही रहेगा, नहीं फोर्स है, और बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या रहेगा, वो रहेगा W, लोड इनटू डिस्टेंस, लोड कितना था W, और डिस्टेंस कंप्लीट कितना है A टू B में L, मतलब टोटल लेंथ,
सो बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी लोड इनटू डिस्टेंस, ओके। और लोड इनटू डिस्टेंस ये निगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा, कैसे निकला था हमने कि देखो यहाँ पे ये लोड है, क्वेश्चन में यहाँ पे लोड था और यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकलना था, तो लोड इनटू डिस्टेंस और डब्ल्यू इनटू एल कैसे घूम रहा था, ये घूम रहा था ऐसा, मतलब क्लॉक वाइज। यहाँ पे तो हमें एंटी क्लॉक वाइज चाहिए था राइट हैंड साइड में, इसलिए फिर ये अगर क्लॉक वाइज घूम रहा है ये निगेटिव। तो ये था कंसेप्ट, तो इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। पॉसिबली विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन नेक्स्ट लेक्चर। सो बस आपको याद क्या रखना है, दो ही चीजें, अगर शियर फोर्स है तो सेक्शन में राइट हैंड साइड में फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए या फिर लेफ्ट हैंड साइड में वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, अगर ये सेक्शन है तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड, ये हो गया आपका राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड में आपका जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, अगर आप लेफ्ट हैंड से सॉल्व कर रहे तो ये मोमेंट आपका क्लॉकवाइज होना चाहिए, देन एंड ओनली देन बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कैंटिलीवर बीम के अलग अलग लोडिंग के लिए, ओके।